हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच टेट, जो हरियाणा टेट एग्जाम है आपका 2019 का, जो 5 और 6 जनवरी को निश्चित है आपकी डेट। तो इन दोनों के लिए बात करेंगे, तीनों लेवल के लिए, और आखिरी के 10 दिन आप कैसे प्लान कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या जो एक क्राइटेरिया है आपका 90 मार्क्स का और 82 मार्क्स का कैटेगरीज के लिए, उससे ऊपर जाने के लिए आखिरी के 10 दिन की रणनीति रहेगी सभी तीनों लेवल के लिए। उस हिसाब से इस टाइम पर आप कौन सा कॉन्टेंट कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं टाइम पर और क्या चीजें आप स्किप कर सकते हैं, इन सबको जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो आगे क्वालिटेटिव वीडियोस हैं एसटेट के लिए, जो भी मटेरियल है, वो आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। और यहां पर अगर मैं बात करूं तीनों लेवल की, तो आपका सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं कि भाई 150 नंबर का आपका पेपर होता है और 150 ही मिनट मिलती है, तो एक सफिशियंट टाइम है एक मिनट एक क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ये आप सभी जानते ही होंगे। और ये जो आपका टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, इसको अगर आप अटेम्प्ट करने जाएं तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 30-30 मिनट के 4 स्ट्रेच बना सकते हैं, 5 स्ट्रेच। तो उससे क्या होगा, 150 मिनट में बेसिकली आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपने गोले के साथ और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम पे एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है इसको अटेम्प्ट करने की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स की, कि इनका कहाँ से कैसे क्या करना है इस वक्त में। लास्ट टाइम पर CDP की अगर हम बात करें, 30 मार्क्स में CDP पूछा जाता है, मतलब कि जो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके लिए दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो जो भी आपके पास कोई भी बुक है, चाहे वो विद्यापीठ की है या कोई भी, जो भी बुक आपके पास पड़ी हुई है उसी को उठाना है, उससे जो भी टॉपिक्स हैं या यहाँ लेट्स लर्न पर जो थियरीज बनी हुई हैं वो टॉपिक्स हैं, और शाम में जो लाइव सेशन चल रहा है वो है। और साथ में एक और चीज़ जो मस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर को आप नहीं छोड़ सकते। बड़े अच्छे लेवल की जो बाल विकास एवं मनोविज्ञान है ये लोग दे रहे हैं आजकल, पिछले पेपर आप उठा करके देखेंगे पता लग जाएगा। और स्पेशली ऐसे एग्जाम में, चाहे वो CTET हो, ये हो, UPTET हो, जहाँ सिलेबस लगभग फिक्स है हर साल, तो वहाँ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करके जाएंगे तो आप मूर्ख भी कहला सकते हैं। और तो इसलिए इसको ध्यान में रखें, प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है इस एग्जाम के लिए, चाहे आप जो भी लेवल देने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर साथ में रख लीजिए। अभी भी नहीं है तो ले आइए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, कुछ भी करिए, बट प्रीवियस ईयर जरूर करिए। उससे आपको आइडिया होगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और कई सारे क्वेश्चन आपको आसपास के या रिपीट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये जरूर करना है प्रीवियस ईयर कॉन्टेंट के साथ, जो भी कमजोर है पॉइंट उसको साथ में करके और प्रीवियस ईयर लगाना है। 2 दिन का ये काम जरूर आप पूरी तरीके से मन से करेंगे, CDP वाला काम, और साथ में 1 घंटा मैथ को भी देंगे यहाँ पर, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लास्ट के 2 दिन में पढ़ लेंगे या सिर्फ 2 दिन पढ़ लेंगे तब हो जाएगा। तो CDP 2 दिन तक अच्छे से पुराने क्वेश्चन और आपका कंटेंट, जो भी मेन मेन टॉपिक हैं, और मैथ्स जो है आपका, साथ में 1 घंटा आप निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब कि हिंदी और इंग्लिश, 30 मार्क्स में टोटल है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, प्रीवियस ईयर 2011 से शुरू हो जाइए, और प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आए हुए हैं वो आप कर डालिए। इसके साथ जो भी मेन मेन, जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है उन प्रीवियस ईयर को करने में, वहाँ पे आप टॉपिक उठाइए, वीडियो देखिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ करिए। एक बार को प्रैक्टिस सेट साइड कर दो, लेकिन प्रीवियस ईयर पर ज़रूर फोकस करो, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है जो आपकी गवर्नमेंट या जो भी संस्था इसको लेती है वो बनाती है। नेक्स्ट है आपका, इसको भी आप 2 दिन देंगे सेम वे में, और साथ में 1 घंटा मैथ का चल ही रहा है, 4 दिन हो गए आपके। अब GS है, यहाँ पर GS पर आप फोकस करेंगे, क्यों करेंगे, भले ही वास्ट है लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटिकल साइंस की, उनको आप पूरा टाइम देंगे 2 दिन का, और प्रीवियस ईयर साथ में, ये ऐसे टैगलाइन याद कर लो कि प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही नहीं है। जिस एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जिस एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, उसका प्रीवियस ईयर छोड़ने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई यहाँ पर, एक बार को आप कॉन्टेंट में कोई पॉइंट छोड़ सकते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर ना छोड़ें। प्रीवियस ईयर से जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है जिस पॉइंट में, उसको पढ़ें, बार बार यही बात आपको सुनने को मिलेगी, और ये जरूरी है। जो लोग करके जाते हैं उनसे पूछिए। तो GS क्या है, मतलब कि GS में आप जो भी आपको आइडिया लेना है, चाहे इंटरनेट से लेना है, इंटरनेट से लो, और साथ में प्रीवियस ईयर करो। 6 दिन हो गए आपके। अब ये क्वांट 10 नंबर में आता है, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की हरियाणा GK। अब ये 10 नंबर की हरियाणा GK के लिए मैंने एक PDF शेयर की हुई है, एक नहीं 2 PDF शेयर की हुई है टेलीग्राम चैनल पर, नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां उनको जाकर के आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बहुत अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 नंबर में आती है। इसके अलावा रीजनिंग तो आप हल्का फुल्का भी प्रैक्टिस करेंगे या कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी की है तब भी आप निकाल देंगे 5 नंबर तो कम से कम, और क्वांट में वही बेसिक जो आपका चल रहा है उसी की तरह से डील कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी कैसी तैयारी मैथ्स की चल रही है। अब है EVS। अब EVS की बात करें, अगर हम EVS हुआ और ये तीनों चीजें हुई, इन दोनों को आप
2 डेज दे सकते हैं, मैथ्स आप अलग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हर दिन 1 घंटा मैथ्स चल रहा है, तो कितने सेशन हो गए? दो, 2 दिन CDP को दिए, 2 दिन लैंग्वेज को, 2 दिन GS को, और जो 2 दिन है आपके इन तीनों को मिला करके, और EVS को, EVS पे ज़्यादा फोकस करना है, इन तीनों को आप भले ही कुछ भी करें इनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन EVS पे ध्यान दें जरूर 2 दिन में। क्यों? क्योंकि EVS में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, या जो बाकी स्टेट अदर टेट जो होते हैं आपके उनके क्वेश्चंस, तो इसलिए इसको ध्यान में रखें। और इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8 दिन हो जाएंगे, 2 दिन आपके पास बचेंगे, 2 दिन में आप प्रीवियस ईयर या जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनको रिवाइज करेंगे फटाफट फटाफट। तो ये कहानी हुई आपकी 10 दिन की प्लानिंग है ये, और कोशिश करें दिन में एक सेट भी लगा लें, या दिन में ना लगाएं तो हर ऑल्टरनेट डे पर लगा लें, तो वो ध्यान में रखें, क्योंकि एक घंटा हमारा मैथ्स में जा रहा है और 2 दिन तक हम CDP पढ़ रहे हैं, इस तरह से 2 2 दिन का काम चल रहा है, तो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी मेरे हिसाब से, और एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है, प्रैक्टिस सेट को साइड कर दीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट तो उनका मन करता है कुछ भी डाल देंगे वो, चाहे वो उस एग्जाम के काम का हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि प्रीवियस ईयर को ज़रूर पढ़ना है, जो भी आपके पास पढ़ा हुआ है या नेट से पढ़ना है वो पढ़िए, नया लेने बिल्कुल भी मत जाइए, कोई टाइम नहीं है नया लेने जाने का, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें ही अलग आएगा जिसके लिए आप लेके आएंगे, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसके कॉन्टेंट से पढ़ लीजिए। यहाँ लेट्स लर्न से जुड़े रहिए, डेली बेसिस पर पैडागॉजी सेशन है या और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CDP के वो भी मैं कराऊंगी, तो यही कुछ मेन बातें हैं। इस हिसाब से प्लान कीजिए कि 2 दिन में 2 2 दिन का स्ट्रेच लेके एक सब्जेक्ट उठाया उसके प्रीवियस ईयर, और 1 घंटा आपने मैथ को दिया या 1.5 घंटा आपने मैथ को दिया। तो यही कुछ मेन बातें थी, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका डाउट है या कुछ भी और आपके दिमाग में रहता है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले उसी तरह से मेंटेन कर लें, मतलब उनके लिए 60 मार्क्स हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो वो यहाँ पर इन दोनों सब्जेक्ट की जगह पर क्या ध्यान देंगे, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, जो डेली मैथ्स का था उसको 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट को देंगे, तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात थी। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।